आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच इज मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस, ठीक है, विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करिए? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि एनी फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा कोई फंक्शन है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, इसके हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, लाइक कंस्ट्रेंट जैसे मान लो x कॉमा वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो एंड x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू a। ठीक है, अब मान लो हमने कोई एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू x एंड y ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो के लिए ये क्या होगा, हमारा ग्राफ आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू a, तो यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा इसके लिए वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और ये हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे, y एक्सिस को कट करेगा 0, a पे, x एक्सिस को कट करेगा a, 0 पे। ठीक है, और क्या बोला है, ये लेस और इक्वल्स टू है, दैट मीन्स ये ओरिजिन की टूवर्ड्स शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये इनवर्ड आएगा, तो यहाँ से हमारी जो एरिया, जो कॉमन एरिया होगा जो इन सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया आया इसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, ये हमारा एरिया क्या आया इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन है और इसके अंदर भी चाहे वो यहाँ हो इस एरिया में कहीं भी कोई भी पॉइंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन वो हमारा क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर इस एरिया के किसी भी पॉइंट पे कोई सॉल्यूशन आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल रीजन के किसी भी पॉइंट पे कोई भी सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा दिया कि कोई भी जो है फिजिकल कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अगर हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि हमें इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी मैक्सिमम या मिनिमम वो क्या होती है, हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती है क्या होती है, वो हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती है, ना कि ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या आ गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।